अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर हसीबा खातून, लेक्चरर फ्रॉम मारवाड़ी कॉलेज। आज हम लोग जानेंगे कि इल्ताफ हुसैन हाली कौन थे, कुछ उनकी ज़िंदगी के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। तो आइए देखते हैं, हाली पानीपत में पैदा हुए और वो 9 साल के थे कि उनके वालिद का इंतकाल हो गया। कम उम्र में शादी भी हो गई। तहसील इल्म के शौक़ में दिल्ली चले आए। उन्हें तालीम हासिल करने का बहुत शौक़ था, इसलिए वो दिल्ली चले आए। यहाँ उन्होंने अरबी की इब्तदाई किताबें पढ़ीं। इसी दौरान गालिब से इनकी मुलाकात हुई और उन्होंने उर्दू फारसी का कुछ कलाम बगर इसलाह उन्हें दिखलाया। उन्होंने गालिब को इसलाह के लिए अपने कुछ कलाम दिखाए। इसके अलावा गालिब से फारसी के कुछ कसायद पढ़े, लेकिन साल डेढ़ साल बाद ही अहले खाना के दबाव की वजह से उन्हें वतन लौटना पड़ा, यानी कि घर की जिम्मेदारी की वजह से उन्हें फिर वतन लौटना पड़ा, यानी कि पानीपत उन्हें लौट आना पड़ा। 1863 ईस्वी में वो नवाब मुस्तफ़ा खां शिफ्ता रईस जहांगीर आबाद ज़िला बुलंदशहर से वाबिस्ता हो गए। यह सिलसिला कई साल तक जारी रहा। शिफ्ता मुमताज़ आलम उर्दू फारसी के खुश फिक्र शायर और सहाबे ज़ौक इंसान थे, यानी कि वो बहुत बड़े शायर थे। उनकी सोहबत में उनके साथ रहकर हाली का अदबी मजाक और निखर गया, यानी कि उनके साथ में रहने के बाद उनका अदबी शौक जो था वो और भी निखर कर सामने आया। इस दरमियान गालिब और दिल्ली से भी इनका रब्त बराबर कायम रहा। इस दौरान इल्ताफ हुसैन अली का गालिब और दिल्ली से भी उनका रब्ता बराबर कायम रहा। 1872 ईस्वी में वो लाहौर चले गए। वहाँ उन्हें गवर्नमेंट बुक डिपो में मुलाजमत मिल गई और वहाँ वो नौकरी करने लग गए। इनका काम ये था कि वो अंग्रेज़ी से उर्दू में तर्जुमा की हुई किताबों की इबारत दुरुस्त कर दिया करें। इस तरह उन्हें ज़ुबान व अदब से मुतल्लिक मगरबी ख़यालात और बाज़ जदीद उलूम से वाकफियत हासिल करने का मौका मिला। यहीं से उनके ज़हन में उर्दू नसर व नज़म की असलाह का ख़्याल भी आया। जब कर्नल हॉलराइड ने लाहौर में अंजुमन पंजाब के मुशायरों की बुनियाद डाली तो हाली ने इसमें नुमाया तौर पर हिस्सा लिया। हाली को मोहम्मद हुसैन आज़ाद के साथ जदीद उर्दू नज़म के बुनियाद गुजारों में शुमार किया जाता है। इल्ताफ हुसैन हाली ने उर्दू में नए अंदाज के सवाने उंगलियों का सिलसिला भी शुरू किया। हयात सादी 1856 ईस्वी में, यादगार गालिब 1884 ईस्वी में और हयात जावेद 1901 ईस्वी में इनकी मशहूर सवाने उंगलियाँ हैं। 1893 ईस्वी में उन्होंने अपना दीवान मुरतब किया तो इसके शुरू में एक मुकदमा भी लिखा जो मुकदमा शेर व शायरी के नाम से मारूफ है। इसकी अहमियत यह है कि शायरी की तनकीद पर यह उर्दू की पहली बाकायदा किताब है। हाली नज़म के अलावा गज़ल के भी अच्छे शायर थे। इनकी गज़लों में लहजे का धीमापन, मुबालगे से परहेज़, गुफ्तगू का अंदाज़ और मुहावरे की चाशनी नुमाया है। मुबालगा कहते हैं बढ़ा चढ़ा कर लिखना। उम्मीद है कि आप लोगों को हाली के बारे में समझ में आ गया होगा।